मोटी ये भी हम जानते हैं कि अंग्रेज इस देश पर हावी होने के पहले हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में अपने देश की 70% जनसंख्या साक्षर थी, शिक्षित थी, और उस शिक्षा के बलबूते सब लोग अपनी अपनी आजीविका का रास्ता खोज लेते थे, उसको प्राप्त कर रहे थे, बेरोजगारी लगभग नहीं। उसी समय इंग्लैंड में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी तो वहां 17% साक्षरता थी। यहां आने के बाद अंग्रेजों ने हमारी जो उस व्यवस्था को जो हमारे 70% लोगों को शिक्षित रखती थी उसको कबाड़खाने में डाल दिया। कबाड़खाने में डाला नहीं, वो यहां से ले गए अपने देश में, उसको लागू किया और उनकी शिक्षा पद्धति को यहां लाया, तो 17% हम साक्षर बन गए, 70% वो साक्षर। ये इतिहास का सत्य है। वो व्यवस्था क्या थी? हमारे यहां पर शिक्षक सिखाता था, सबको सिखाता था, उसमें वर्ग जाति वगैरह भेद नहीं होता। आदमी अपना जीवन अपने बंदूक सिखा सके, यहां तक की शिक्षा सबको मिलती। गांव में जाके शिक्षक सिखाता था, इसलिए नहीं सिखाता था कि उसको अपना पेट भरना था, वो इसलिए सिखाता था कि शिक्षा देना उसका काम है, ज्ञान दान उसका कर्तव्य है, सिखाना उसका धर्म है। और गांव उसके आजीविका की चिंता करता,